चलिए, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी को ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये चैनल आप ही लोग के लिए है और आपके लिए बेहतर कंटेंट समझिए एकदम बिल्कुल जो भी वैसा कंटेंट जो आप अब तक यूट्यूब पर कभी नहीं देखे होंगे उस प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाया जाता है। और बिहार बोर्ड से तो बेहतर तैयारी करना है, आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, ठीक ना। और जितना भी नोट्स है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, किसी के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग केवल इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको सारा नोट्स फ्री ऑफ मिल जाएगा। हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, 6235957, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना। चलिए, हम कहे थे ना कि टेंथ के आप लोगों को एकमात्र वीडियो देंगे। और देखिए, वैसे हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं ना, तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको टेंथ अगर पूरा रियली बात बताएं तो टेंथ कम से कम एक महीना प्लस क्या कह सकते हैं, कुछ लेकर चाहे तो 1.5 महीना या 2 महीना तक चला जा सकता है टेंथ, और चलता भी है इतना। लेकिन बात है कि आपको पढ़ाना है तो अगर आपको यूट्यूब पर हम पूरा पढ़ाएंगे ना तो कम से कम 4 घंटों को वीडियो लेना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि आप लोग केवल जो ऐसा उस प्रकार बता देते हैं कि जिससे आप केवल क्वेश्चन बन जाए और आपका सारा एकदम बिल्कुल कोई एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और बता रहा है कि टेंस का इस प्रकार का रूल आप तक अभी तक कोई बुक में नहीं देखे होंगे और ये पूरा हाथ से लिखा गया, अपना लिखा गया, हम खुद अभी हाथ से लिखे और आपके सामने लाए, ठीक ना। तो इस प्रकार का आपने नोट्स कभी नहीं देखा होगा, इस प्रकार का वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए और एक वीडियो में आपका पूरा टेंस का क्लियर हो जाएगा। और अभी कराते है और 4 बजे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइएगा, करिएगा। देखिए 4 बजे जुड़िएगा, एकदम देखिएगा, एकदम सारा जितना भी है ना आपका सब पूरा आप देखिएगा कि एकदम पूरा गर्दा गर्दा उड़ जाएगा जितना भी क्वेश्चन में पूछा गया ट्रेन से, ठीक ना। चलिए चालू करते हैं, हम लोग चालू करते हैं। देखिए क्या है, आपको थोड़ा बताना है, धीरे धीरे फास्ट बताना है और केवल आपको जो काम की चीज़ वही लेकर आए हो, देखिए और पूरा एकदम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइम और टेंस। टाइम और टेंस कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए, 3 प्रकार सब लोग भाई जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये सब काम की चीज़ ना है, जो काम की चीज़ हम आगे बात करेंगे, बताएंगे आपको कौन सी काम की चीज़ है। रुक जाइए कलर, 1 मिनट हम कलर चेंज करते हैं, रुक जाइए। जो भी भाई लोग नए आ रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भाई लोग आप लाइक कीजिए, हम आपके लिए बेहतर लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा जल्दी सपोर्ट कीजिए। और जब ये जैसे ही 400 होगा आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव का सेट मिलेगा, 500 होगा तो आपको सब्जेक्टिव का पूरा सेट फ्री दे दिए, ऑब्जेक्टिव का पूरा नोट्स फ्री दे दिए। 500 जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा कीजिए और आपको पूरा सेट फ्री नहीं मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए जल्दी से ना सपोर्ट कीजिए आप लोग, जितना भाई लोग हारे से। चलिए अब चलिए चलते हैं, यहाँ पर हम आगे बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के बोले हैं, 3 प्रकार, कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे पर चलते बात करते। देखिए वही बात है, आप देखिए कि प्रत्येक प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबको 4-4 भेद होता है। उतना जरूरी नहीं है, ये सब जरूरी नहीं, लेकिन बता देते हैं कि जो है लोग मान लीजिए बेसिक से कोचिंग नहीं करते, कोई बात नहीं, कोचिंग नहीं करते, आपके लिए वीडियो एकदम वीआईपी वीडियो समझ लीजिए। इसके बाद आपको टेंस की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इतना गारंटी के साथ करते हैं 100%। आप 12th में है या आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, इससे बाहर आपको जितना नोट्स दे रहे हैं ना, उस नोट से बाहर आपको जो अभी टेंस का बात कर रहे हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कहे, जो टेंस वाला नोट है ना, इसमें अगर कंपटीशन में पूछेगा इंग्लिश से तो टेंस बाहर इससे पूछा नहीं रहेगा, गारंटी इसका 100%। चलिए दिखाते भी है आप लोग का, क्वेश्चन ला के भी दिखाएंगे और आप कहेंगे तो कंपटीशन का क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन आज 12th का शाम में 4 बजे आप जुड़िए, अभी पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा टेंस क्लियर कर लीजिए, जितना कहते हुए केवल अटिए। और देखिएगा 4 बजे हम आपको पूरा इसका क्वेश्चन कराएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या कहे, प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के, कौन कौन है। तो पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। अच्छा, तीसरा का नाम क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उस साइड में पेज के उस साइड में, और मैं 20 पे बात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, ये सब बता देते हैं, ये सब जरूरी नहीं है। प्रेजेंट टेंस तात्पर्य है, और इसका बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पचमा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक ना। अच्छा, नकारात्मक रहेगा तो डू डज लगा दिएगा, यही बात ना है। आप प्रश्नवाचक रहेगा तो डू डज को बाहर कर दिएगा, यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये सब तो आता ही होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई याद कर लीजिएगा। जैसे मैं जाता हूँ तो इसमें देखिए ता है लगा ना लास्ट में, वही लगी प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को तो बनाने के नियम आई और आई के साथ गो लगता है। एक चीज आपको बताएंगे अभी बाद में बताएंगे, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कैसे हम समझ गए कि आई के साथ गो लगेगा, हम बताएंगे आपको लास्ट में। चलिए वो आपको मालूम ही होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, ट्रिक देंगे आपको, समझ गए। चलिए क्या है अगला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सब खींच रहा है क्योंकि सब जरूरी नहीं, जहाँ से जरूरी है हमको वहाँ जाना है, ये सब केवल आपको याद होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पता नहीं क्या है, रहा है, रही है, बनाने के नियम क्या हो जाता है, बनाने के नियम हो जाता है इजेमार से, देख लीजिए बनाने के नियम क्या हो जाता है, इजेमार प्लस वर्ग चौथा रूप, ठीक ना, यही बात ना है। बनाने के नियम क्या हो जाता है इसका, इजेमार प्लस वर्ग चौथा रूप, यही सब है। अच्छा याद रखिएगा, चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बनाने के नियम इसका इजेमार प्लस वर्ग चौथा रूप, देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। बनाने के नियम इसका याद रखिएगा, इसका बनाने का नियम यह है, इसका बनाने का नियम यह है, इसको याद रखिए। चलिए अब जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ आई एम मीटिंग, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम मीटिंग, मैं सो रहा हूँ आई स्लीपिंग, इस प्रकार बनाते रहिएगा। अभी सब जरूरी नहीं, जो जरूरी की चीज़ें वहाँ पर चल रहा है, ठीक ना। चलिए 1 मिनट हो जाइए भाई लोग, आप लोग 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट, 1 मिनट हो जाइए आप लोग, 1 मिनट। चलिए
आप आइए अगला ये तीसरा कार्टेंस का नाम क्या है, ये सब खींच रहे हैं, सब जरूरी नहीं, जहाँ जरूरी वहाँ से काम करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का पता नहीं कि चुका है चुकी है या है, ये रहेगा सब्जेक्ट बनाने के लिए है जब प्लस वर्ब तीसरा प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यही ना, ये सब आपको आता है, हमको जहाँ वहाँ जाना है जब आपको एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे वहाँ हमको जाना है, अभी जस्ट आगे चल रहा है, ठीक ना, ये सब आपको आता है। देखिए ब्रह्मास्त्र नियम लाया याद एक आपके लिए, ठीक ना, तो मैं जा चुका हूँ, सॉरी मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, कि वह जब बात हमेशा वर्ग तीसरा का रूप लगता है, हम आपको टेंस में देंगे, देख लीजिए पूरा याद कर लीजिए, कहीं पूरा ग्रामर में कहीं आप जाइए, पूरा ग्रामर में कहीं जाइए, इज एम आर वाज वेयर के बाद हमेशा भर के चौथा रूप, डू डज डिड के बाद हमेशा भर के पहला रूप, हैज हैव हैड के बाद हमेशा भर के तीसरा रूप, पूरा याद कर लीजिए पूरा ग्रामर में, डू डज डिड टू अति मॉडल वर्ब के बाद हमेशा भर के पहला, इज एम आर वाज वेयर कहीं भी रहे भर के चौथा रूप, हैज हैव हैड के बाद हमेशा भर के तीसरा, पूरा ग्रामर में कोई भी हो, कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी बात याद, अभी आगे देंगे भी आपको सारा पीडीएफ आपको दे देंगे, फिर आप कर देंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं, आप लोग ट्वेल्थ सपोर्ट बनाइए भैया, जल्दी से ना 400 सब्सक्राइबर कीजिए और 500 सब्सक्राइबर जल्दी से ना कीजिए, आप लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पता नहीं ता रहा है ती रही है या केवल रहा है रही लगा रहे हैं, तो टाइम केवल उसके बाद टाइम लगा रहेगा, देखिए इसके दो पहचाने के नियम है, या तो ता रहा है या ती रही लगा रहेगा, अगर केवल रहा है रही लगा रहेगा तो उसके बाद टाइम, जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ इसमें ता रहा है लगा है, अगला देखिए वह सुबह से पढ़ रही है तो इसमें केवल रही तो लगा है लेकिन ये सुबह से टाइम आ गया ना, तो दो पहचाने के नियम, या तो ता रहा लगा रहेगा या केवल रहा है रही लगा रहेगा, तो कोई ना कोई टाइम लगा रहेगा। बनाने का नियम क्या है, बनाने का नियम केवल देख लीजिए जल्दी से ना, ये सब जरूरी नहीं, जरूरी कहाँ से बता रहे हैं इसको, जो भाई लोग एकदम बेसिक से पढ़ना चाह रहे तो उसके लिए हम केवल बता रहे हैं, नहीं तो आगे हम केवल काम के बात करेंगे। चलिए तो बनाने के नियम सब्जेक्ट प्लस है जो प्लस बिन भर के चौथा रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और इसमें एक और चीज़ जुट गया है, इसमें यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा सिंस या फॉर है, उसके बाद सिंस फॉर लगता है, ठीक ना, कैसे बनाते हुए इसको देख लीजिए, जैसे कि बनाने का नियम है मैं पढ़ता रहा, एक मिनट ब्रदर एक मिनट रुक जाइए एक मिनट, मैं पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग बिल्कुल सही है जो है बीन आ प्लस वर्ग चौथा रूप, सही बात ना, हैज प्लस बीन चौथा रूप, अच्छा वह सुबह से पढ़ रही है तो ही हैज बीन आ रीडिंग, देखिए सुबह से, तो एक ट्रिक दिए हैं, अगर किसी का नाम है जैसे दिन महीना का नाम रहेगा तो सिंस लगाइएगा, दिन महीना का नाम रहेगा तो फॉर, जैसे कहेंगे मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग, आप जनवरी कोई जनवरी महीना का नाम है कि ना, तो सिंस जनवरी, मैं फरवरी से मैं 2024 से पढ़ रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग, खुद यानी कि कितना सिंस 2024 कहला 2024 को ना कोई वर्ष का नाम है, आपको ये ना कहेगा मैं दो दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो मैं दिन के नाम थोड़ी ना, दो दिन कौन दो दिन है नहीं ना, तो इसमें फॉर लगाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर टू डेज, मैं 10 वर्षों से खेल रहा हूँ, कोई वर्ष का नाम नहीं ना है, केवल 10 वर्ष है, कोई वर्ष का नाम नहीं ना, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 ईयर्स, ठीक ना, इस प्रकार से बनाइएगा। आप लोग मालूम ही होगा हम केवल जहाँ से काम की बातें चलते हैं, ठीक ना, वही बता दिए हैं कि देखिए यहाँ पर आपको बताया भी वो सोमवार से पढ़ रही है तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे, कहला मंडे कोई ना कोई दिन का नाम, वही बात यहाँ खींच के लिखे हैं कि सोमवार किसी न किसी दिन का नाम, इसलिए सिंस लगाए हैं, और देखिए वह दो दिनों से खेल रहा है तो इसमें भी दिन का नाम, यहाँ दिन का नाम नहीं आया इसलिए फॉर लगाए, तो उसी को खींच के लिखे हैं कि दिन का नाम नहीं आया इसलिए फॉर लगाए, आपको पूरा एकदम समझा देंगे बेहतर कंडीशन, समझ गए यहाँ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा थोड़ा, एक मिनट ब्रदर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए चलिए नेक्स्ट में चलिए, आप देखिए बहुत ही VBI क्वेश्चन आ रहा है, समझ लीजिए VBI, आप बिल्कुल VBI सब तारा समझिए, एक तरीका समझिए, आपको एक तरीका समझा दिया, देखिए अब पास्ट के किसी पास्ट भी चार प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है, परंतु आप केवल जहाँ पर हैं हुए ना वहाँ पर थाते लगा दीजिए तो पास्ट का पूरा बन जाएगा, वही बात है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचाने के नियम ता है तो पास्ट इंडेफिनिट पहचाने के नियम ता था दी थी, बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ग पहला प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इसका बनाने के नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ग दूसरा का प्लस सब्जेक्ट, एक बात याद रखिए मात्र एक पास्ट सिंपल पास्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें वर्ग दूसरा का रूप लगता है, बाकी बात सिंपल पास्ट टेंस में मात्र वर्ग दूसरा का, बाकी बात जितना भी परफेक्ट रहेगा उसमें वर्ग तीसरा का, जितना भी कंटिन्यूअस रहेगा उसमें वर्ग चौथा, सब आगे हम लिख के लाए हुए हैं, चलिए आपको ये समझा दिए। अच्छा देखिए पास्ट सिंपल पास्ट के सिंपल पास्ट नकारात्मक बनाने के लिए डू डस है, अति पास्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट का नकारात्मक बनाने के लिए डू डस है, और सिंपल पास्ट का नकारात्मक बनाने के लिए डिड से प्रयोग करना है, ठीक ना, देखिए डू डज के बाद हमेशा भर के पहले रूप लगाते हैं और डू डिड के बाद भी हमेशा भर के पहले, इसलिए हम आपको शुरू में बोल दिए कि डू डज डिड कहीं भी रहे ना टू रहे ओकरा बाद हमेशा भर के पहले रूप लगता है, देखिए वही बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचाने के लिए रहा है रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस पहचाने के लिए रहा था रही थी, ये बात ना है, एक बनाने के लिए इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज इज एम आर प्लस भर के चौथा रूप, इसका बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर के चौथा रूप, एक चीज यहाँ से और याद कर लीजिए, कोई भी कहीं भी अगर इज एम आर रहेगा वाज बेर रहेगा तो का बाद भर के चौथे रूप लगेगा, इज एम आर वाज बेर बाद भर के कमा रूप चौथा, डू डज डिड के बाद भर के कमा रूप पहला, है जब के बाद हमेशा भर के कमा रूप तीसरा, देखिए अगला प्रेजेंट परफेक्ट जितना बोल रहे उतना केवल याद करते जाइए, देखिए आज सामने देखिएगा केवल हम जो बोल रहे हैं ना उसको याद करिए कि क्या क्या बोले, डू डज डिड के बाद हमेशा भर के पहला, इज एम आर वाज बेर के बाद हमेशा भर के चौथा, है जब के बाद हमेशा भर के तीसरा का रूप, ये बात को केवल याद रखिए। चलिए अगला टेंस है इसका प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, हम बताएं कि कैसे कंपेयर कर देते हैं कि देखिए इसका बनाने के लिए है प्लस भर के तीसरा का, इसका हैड प्लस भर के तीसरा का, इसका पहचाने के लिए चुका है चुकी है, इसका चुका था चुकी थी, ये सब जरूरी ना है
हैं केवल फिर भी बता देते हैं। चलिए इस उसके उसी प्रकार से आप लोग ये देख लीजिएगा या क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस प्रकार से ता रही है ती रही है, तो ता रहा था ती रही ती रहा लगेगा बनाने का नियम क्या है जो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे केवल काम की बात वही करते हैं। चलिए आगे फ्यूचर पर आ गए, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा। क्योंकि सब जरूरी नहीं है, जहाँ जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वहाँ चल रहे हैं, बिल्कुल अभी हम ला रहे हैं ये सब उस भाई के लिए बता देते। कुछ भाई लोग सब कोचिंगे नहीं करते हैं तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो आप लोग थोड़ा हो जाएगा, उसके लिए हम थोड़ा बता रहे हैं थोड़ा। चलिए ठीक है, तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट चार प्रकार के पहचानने के लिए पहला था फ्यूचर भी चार प्रकार के, फ्यूचर इंडिपेंडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ ना चारों प्रकार। तो पहला उसमें प्रकार लाए क्या फ्यूचर इंडिपेंडेंट पहचाने के नियम भरवे में गाएगी लग रहा है, जैसे कि पढ़ेगा खेलेगा तो पढ़ना भर वही में गाएगी, पढ़ेगा खेलना भर वही में गाएगी खेलेगा, खेल पढ़ेगा लिखेगा खेलेगा ऐसे रहेगा, जैसे कि सीधा पढ़ेगी देखिए पढ़ना भर वही में गाएगी। तो इसका कहेंगे फ्यूचर इंडिपेंडेंट। फ्यूचर इंडिपेंडेंट बनाने के नियम क्या है मालूम है, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस भर के पहला रूप, देख लीजिए सेल बिल के बाद हमेशा भर के पहले रूप लगता है, सेल बिल के बाद सेल बिल मॉडल भर, सेल बिल मॉडल भर के संख्या 13 हो, सेल बिल कैन कुड मे माइट मस्ट नीड इट आउट टू इट टू डेयर, ये सब है ना मॉडल भर, मॉडल भर एक बाद हमेशा भर के पहले रूप लगता है। तो देखिए आपके सामने कितना चीज आ गया जिसके बाद भर के पहला रूप लगता है, तो एगो डू आया, एगो डज आया, एगो डिड आया, उसके बाद एगो मॉडल भर आ गया, एगो और याद कर लीजिए टू के बाद, इस सब के बाद है ना हमेशा भर के पहला रूप लगाइए, कहीं पूरा ग्रामर में बात करते हैं। इजे मार वाज बेर के बाद हमेशा भर के चौथा, इजे मार वाज बेर के बाद हमेशा भर के चौथा, अच्छा हज हब के बाद हमेशा भर के तीसरा, ये बात सब याद रखिए, ये सब काम देगा आपके देखिएगा पूछा वही सब पूछे किया है। चलिए सब बना लीजिएगा, आपको हम बता दिए केवल कैसे बनता है, अच्छा आई बी के साथ सही लगा बाकी सब लगता है सब आपको मालूम ही होगा, नहीं सब बताने की जरूरत नहीं है। अगर अवश्य लगा रहेगा सेंटेंस में तो वह बात पलट जाता है, आई बी के साथ भी लगता है बाकी के साथ सही लग जाता है, ठीक ना। ये सब अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका बना देंगे, हम थोड़ा फास्ट खींच रहे क्योंकि वहाँ जाना है जहाँ हमको जरूरी है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस पहचानने के नियम तार आ ती रही है, ये सब रहेगा। बनावट का नियम यह है कि सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस बी वर्ग छात्र प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये सब जरूरी ना है केवल आपको बता दिए। चलिए जहाँ जरूरी है वहाँ पर चल रहा है आपको खींच रहा है, बस 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 अब आगे बस आगे इसको खत्म जल्दी करते हैं। जहाँ लाए ब्रह्मास्त्र वाला ला रहा है आपको सूत्र, देखिए ना अभी चस्टम ला रहा है। चलिए क्या है देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट बनाने के बचाने के नियम चुका है चुकी है रहेगा ये रहेगा, बनाने के नियम ये दे दिया है कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मैं बनाने के नियम दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तार है तीर रहेगा ऐसे रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर केवल एक याद रखना है जो आपको पूछेगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें समय के लिए क्या लगाते थे, तो सिंस या फॉर लगाते थे ना, सिंस फॉर, तो याद रखिएगा केवल फ्यूचर में है ना जो प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस की जगह पर केवल खाली फॉर्म का यूज होता है, उसी बात को हम लिख भी दिए हैं कि सिंस की जगह पर केवल फॉर्म लगाते हैं यहाँ पर, ठीक ना। फॉर अपना फॉर लगभग करता है, सिंस की जगह पर खाली फॉर्म लगता है, ठीक ना। कौन में तो प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी बात को हम लिख चुके हैं कि फ्यूचर ध्यान रहे कि फ्यूचर टेंस में सिंस की जगह पर फॉर्म लगता है, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ये सब जरूरी नहीं था, बिल्कुल अब आइए देखिए कितना महत्वपूर्ण, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा देखिए, चलिए अब आइए देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया। देखिए ये सब आपको जरूरी है, बिल्कुल यही सब आपको यही से एग्जाम सब पूछेगा, अब यही सब आपको याद रखना है। चलिए क्या कह रहा है सुनिए, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है सब में भर फोड़ लगेगा, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो भर फोड़ लगेगा, जितने भी परफेक्ट टेंस है जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में भर थ्री लगेगा, सब में भर थ्री, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भर फोर लगाना है, जिसमें जितने भी परफेक्ट टेंस है भर थ्री लगाना है, ठीक ना। ये हुआ, अभी चलिए अभी देखिए, अभी रुकते रहिए आप, देखिए ना कैसा यहाँ से परमात्म बस यहाँ से चालू है, आप लोग रुके रहिए ना, देखिए ना यहाँ से ब्रह्मास्त्र चालू, बिल्कुल देखिए यहाँ से अगर पूरा वीडियो देख लेते आपके बाद इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है टेंस का, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक ना। चलिए भाई लोग देखिए यहाँ से आपका ब्रह्मास्त्र को यही क्वेश्चन से पूछता है, कॉम्पिटेशन एग्जाम हो ट्वेल्थ हो कोई भी एग्जाम हो ट्वेल्थ हो टेंथ हो सब एग्जाम इसी से पूछेगा। चलिए ठीक है, आपको देखिए पूरे ग्रामर में याद रखिएगा, पूरे ग्रामर की बात करते हैं, कहीं भी डू रहे कहीं यहाँ समझिए यहीं से क्वेश्चन आएगा, 4 बजे सामने आपको कराएंगे तो देखिए यहीं से पूछा गया है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लाएंगे सामने, और वीवीआई डू कहीं भी डू रहे कहीं भी डज रहे कहीं भी डिड रहे कहीं भी मॉडल भर्ब, देखिए मॉडल भर्ब की संख्या 13 को पीछे हम लास्ट में बताएंगे भी एग्जांपल के तौर पर अभी दे दिए कि जैसे सेल बिल कैन होता है 13 को इसका संख्या होता है, तो कहीं भी डू रहे कहीं भी डज रहे कहीं भी डिड रहे कहीं भी मॉडल भर्ब रहे टू रहे कहीं भी लाकर रहे ना, और इस समय से कोई भेटाए तो उसके बाद हमेशा भर के पहला रूप, याद हो गया कहा किसके बाद भर के पहला रूप, तो डू डज डिड मॉडल भर्ब के बाद हमेशा भर के पहला रूप, ठीक ना, इसी को याद रखना यही एग्जाम में पूछेगा यही आता है। चलिए अगला रूल आइए ब्रह्मास्त्र, इज एम वाज बियर कहीं भी इज रहे कहीं भी एम लाग रहे कहीं वाज बियर लाग रहे, इसके बाद पूरा ग्रामर में भर के चौथा रूप लगता है, ठीक ना। एक जगह भर के तीसरा का रूप लगता है वॉइस में, वो अभी छोड़ दीजिए आपको यही लेके चलिए, लेकिन इज एम आर वाज बियर के बाद हमेशा पूरा बात करें ग्रामर में तो दो भर लगता है, एगो भर थ्री एगो भर फोर, तो टेंस में भर फोर लगता है वॉइस में भर थ्री लगता है, वॉइस को गोली मारिए आप यहीं पर याद रखिए कि डू डज डिड के बाद हमेशा भर के पहला, इज एम आर वाज बियर के बाद हमेशा भर के चौथा, यही पूछेगा एग्जाम में यही पूछा है, और तीसरा का रूल कहीं भी हैज हैव हैड रहेगा ना उसके बाद भर के तीसरा का रूप लगाना है, बस याद हुआ तीन को यहाँ तक याद हो गया, बताइए डू डज डिड के बाद हमेशा भर के पहला, इज एम आर वाज बियर के बाद हमेशा भर के चौथा, कहीं भी हैज रहे भर के कमाए तीसरा का। चलिए अगला चलिए आइए चौथा ब्रह्मास्त्र आइए चलिए यहाँ से देखिए अब अगला
यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, रुक जाइए। चलिए यही सब एग्जाम में आता है, आप लोग पूछते हैं, देखिए यही सब आए, यही सब देखिए, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, आप लोग ध्यान दीजिए भाई। देखिए ट्रिक ए टू जेड साइंस सेंटर द्वारा दिया गया यही ट्रिक है, बिल्कुल एग्जाम में सब सब पूरा यही रहेगा, बिल्कुल समझिए, यही सब एग्जाम में रहता है। और उसमें कहेगा तब जिस जो VBI है उसको VBI लिख भी दिए, ऊपर सारा नोट्स आपको फ्री मिलेगा। जो वाले चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और 400 जल्दी से जल्दी कराइए, आप लोगों को बेहतर बेहतर कंटेंट आपको प्राप्त किया जाएगा। 500 पर आपको तो बताइए दे सब्जेक्ट का VBI मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए यहीं पर बात करते हैं, अगर कहीं भी ऑलवेज मिले, कहीं भी नेवर मिले, कहीं भी एवरीडे, कहीं भी डेली, कहीं वन से भी, कहीं ट्वाइस से भी, कहीं मिल आपको संडे मिले, जनरली मिले, ये सब वर्ड कहीं भी आपको मिलेगा ना, इसका हिंदी बता दे, ऑलवेज मिस हमेशा, नेवर मिस कभी नहीं, एवरीडे मिस प्रत्येक दिन, डेली मिस प्रति यानी रोजाना, वन से वीक मिस सप्ताह में एक बार, और ट्वाइस से वीक मिस सप्ताह में दो बार, वन संडे मिस रविवार को और प्रत्येक रविवार को, जनरली मिस सामान्यतः, ऑली वाला कोई भी शब्द मिले और भी शब्द है, अगर ये सब कहीं मिलेगा ना, यही से पूछ रहा भाई लोग ध्यान दीजिए, अगर ये सब सेंटेंस, ये सब अगर वर्ड कहीं भी आपको मिलेगा ना, तो उसमें समझ लीजिए कि उसमें अगर ये सेंटेंस कहीं भी आपको मिलेगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा, अर्थात वही टेंस में भर के पहला या पांचवें रूप लगेगा। ये सब दे दिया रहेगा, आपसे कहेगा कि अब कौन भर्व लगेगा, तो वहाँ पर या तो भर्व लगेगा या भर्व फाइव लगेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ भर्व लगता है, कहाँ भर्व फाइव लगता है, लेकिन ये तो मालूम है कि ही के जोड़े भर्व फाइव लगता है, वी के जोड़े भर्व वन लगता है, ये तो मालूम है, लेकिन आपको ये वर्ड याद रखना है कि अगर इस समय से कहीं भी अगर जब सेंटेंस सब हुआ ना, जितना वर्ड घेरे हैं, जो भी गोलाकार में घेरे हैं, जितना भी गोलाकार में घेरे हैं, इनमें से कोई भी वर्ड मिले ना, तो उसके बाद या तो भर वन लगेगा, उसमें भर वन लगेगा या भर फाइव लगेगा, ठीक ना। उसमें चलिए अगला बताते हैं, अगला जल्दी जल्दी खींचना है, छोटा सा वीडियो बनाना है। कहीं भी आपको नाउ, नाउ अ डेज, दिस डेज, दिस इवनिंग, एट ए प्रेजेंट, इसका हिंदी बता दे, नाउ मिस अब होता है, नाउ मिस क्या होता है, अब, नाउ नाउ अ डेज मिस आजकल, दिस डेज मिस आजकल, दिस इवनिंग मिस इस सुबह, एट प्रेजेंट मिस वर्तमान में, अगर कहीं भी सब शब्द मिले ना, तो उसमें समझ लीजिए कि भर्व फोर लगेगा, कहीं भी सब शब्द मिलेगा, कौन चलेगा, भर्व फोर लगेगा, कहीं भी पूरा ग्रामर की बात कर रहे हैं, कहीं भी मिलेगा उसमें भर्व फोर लगाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सब पूरा VBI क्वेश्चन से यही सब क्वेश्चन आता है, अगला समझिए, कहीं भी येट रहे, कहीं भी रिसेंटली रहे, कहीं भी बिफोर रहे, कहीं भी आफ्टर रहे, कहीं भी फर्स्ट टाइम रहे, कहीं भी सेकेंड टाइम रहे, कहीं भी ये सब अगर वर्ड मिलेगा ना आपको, तो समझ लीजिए उसके बाद हमेशा वर्ब थ्री लगाइएगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट वाला रूल लगाइएगा, यादें रखिए, ये सब आता है एग्जाम में, देखिएगा 4 बजे हम एग्जाम्पल करवाएंगे, यही सब आपको मिलेगा, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया आप। चलिए आपको एकदम VBI आ रहा है, चलिए VBI आपका आ रहा है, ट्रिक VBI आपको पूरा ग्रामर में कहीं भी सिंस फॉर मिले ना, सिंस फॉर पूरा ग्रामर में आपको कहीं भी सिंस फॉर मिले ना, तो उसमें क्या करना है कि भर फोर लगाना है, हो गया ना। कैसे अभी बताएंगे, आज शाम में केवल इसको याद कर लीजिए, आज शाम में आप देखिए क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा वही से अब बस आ गया VBI आ गया, VBI देख लीजिए, VBI है, कहीं भी लास्ट वर्ड मिले, एगो वर्ड मिले, ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या करता है, छटैया करना पड़ता है आपको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कीजिए, अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी हो तो छटैया करना है, देखिएगा आपको छटैया से हम कहते हैं ना, छटैया करके छाँट कर आपको कौन ऑप्शन गलत है, खाली ऑप्शन के साथ छाँट के हम आपको पूरा ट्रिकली बताएंगे, देखिए एक भी सवाल में कोई एक सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई भी सवाल में खाली छाँटने आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए जो बता रहे केवल वही, तो कहीं भी लास्ट मिले, कहीं भी एगो मिले, कहीं भी स्टडे मिले, कभी प्रीवियस मिले, कहीं भी 2005 ना कहे कर कोई भी एहन समय जो बीत गया है तो वो अगर मिले ना, तो उसमें समझिए कि हमेशा भर्व टू लगेगा, उसमें हमेशा भर्व टू लगेगा, इस बात को याद रखिए, उसमें हमेशा भर्व टू का प्रयोग करना है, समझ में आ गया। कौन कौन VBI है, कहीं भी लास्ट वर्ड मिले, एगो मिले, स्टर्डे मिले, प्रीवियस मिले, कोई भी बीता हुआ टाइम मिले ना, तो उसमें कौन भर्व लगाना है, तो भर्व टू लगाना है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए जल्दी, कम है 16 ग्रुप ने सब खत्म कर दिए, अगर ये तो बता दिए है कि अगर यहाँ पर अगर कहीं समझ लीजिए कहीं पर फॉर्म लगा रहेगा ना, तो फॉर्म के बाद अगर दिन महीना सबके नाम रहेगा तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट में हाँ यानी कि देखिए ना, सिंस जगह पर फॉर्म नहीं लगता है, वो वाला बात बताएं कि जैसे सिंस जगह पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, फॉर्म लगता है, आप फॉर्म के बाद अगर दिन महीना का नाम रहे तो भर फोरे लगेगा, चाहे सिंस फोर रहे चाहे फॉर्म रहे उसके बाद भर फोर लगेगा, के बाद याद रखिए सिंस रहे फॉर्म रहे फोर रहेगा उसके बाद भर फोर लगेगा, ठीक ना। चलिए अगला, अब VBI आ गया फिर, अगर कहीं टुमारो लगा रहे, कहीं 2025-2030 कर कथी आवे वाला कोई भी वर्ष रहे, अभी 2024 चल रहा है तो आवे वाला कोई भी वर्ष रहे, और नेक्स्ट ये तीनों शब्द लगा रहेगा ना, तो उसमें समझ लीजिए कि या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और उसमें सेल बिल प्लस भर के पाला रुक लगेगा, सेल बिल प्लस भर के पाला रुक लगेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, अगर कहीं समझ लीजिए बाई मिस के द्वारा भी होता है, लेकिन बाई का हिंदी कहीं लगेगा ना तक, जैसे कहेंगे मैं 10 बजे तक पढ़ चुका रहूँगा तो यहाँ पर बाई लगेगा, और बाई का हिंदी अगर तक होगा ना, बाई का हिंदी तक समझ लीजिए, बाई का हिंदी अगर तक होगा तो उसमें सेल बिल प्लस भर के तीसरा का रूप लगाएंगे, सीधे समझे ना कि बाई का हिंदी तक होगा ना, तो केवल भर थ्री का प्रयोग वहाँ पर करना पड़ेगा आपको, ये बात केवल याद रखिए। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए 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 बहुत छोटा बनाना है, बहुत जल्दी आपको बनाना है, न समझ में आइए, दो बार देखिए समझ में कैसे नहीं आएगा भाई, आप केवल जो बताए केवल याद रखिए, आ गया VBI आ गया, यहीं से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अभी बताया कि लास्ट एगो वाला स्टार्ट वाला बताया वो रूल VBI है, एक ये रूल VBI है। चलिए क्या कह रहा है,
कि पास्ट के रिलेशन पास्ट से। अब आपको अगर भाई जब तू केना बता दिलूँ कि पास्ट के रिलेशन पास्ट से हो छे तो हम आपको बताएंगे। आज क्वेश्चन लाएंगे ना 4 बजे लाइव में, तो उसमें बताएंगे आपको कि पास्ट के रिलेशन किस से पास्ट से कैसे होता है आपको दिखाएंगे। केवल याद रखिए ना कि पास्ट के रिलेशन कैसी से पास्ट से, ऐसे याद रखिए। अच्छा वैसे ऐसे याद रख लीजिए कि पास्ट के रिलेशन पास्ट से, ठीक ना। अच्छा अब अगला रूल समझिए कि फ्यूचर के रिलेशन किसके से प्रेजेंट से। ये भाई याद रखिए, आप कहेंगे कि सब कथी बता रहा है। अब देखिए 4 बजे बस ये पर क्वेश्चन बनेगा, आपको क्वेश्चन कराएंगे तब ना तो आपको लगेगा अच्छा हाँ सही बात है। पास्ट के रिलेशन पास्ट से, फ्यूचर के रिलेशन आपसे पूछेंगे तब कहिएगा अच्छा फ्यूचर के रिलेशन प्रेजेंट से आप क्या होगा हम ना समझाएंगे क्वेश्चन में, आज आप हम समझाएंगे आपको। तो केवल याद रखिए आप कि पास्ट के रिलेशन कौन चीज़ से पास्ट से, फ्यूचर के रिलेशन कौन चीज़ से प्रेजेंट से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसलिए हम तीर खींच के दे दिए हुए, ठीक ना। चलिए यहाँ तक दो याद हुआ, याद कीजिए इसको हम सामने करवाएंगे तब आपको समझ आएगा। अगर बिफोर रहेगा ना तो एना घेरे का अर्थ बिफोर के पहले, बिफोर के पहले आपको परफेक्ट का रूल लगाना है। परफेक्ट का अर्थ समझ रहे हैज हैव के बाद भर के तीसरा कर्ट लगता है परफेक्टनेस में, लगता है कि ना, वो लगाना है। और उसके बाद इंडिफिनिट के रूल का अर्थ क्या थी, अर्थात वहाँ इंडिफिनिट के रूल का अर्थ यहाँ पर भर टू लगेगा या भर फाइव लगेगा, वो आपको पहले बताएंगे कहाँ पर कैसे लगेगा। लेकिन केवल ये बात आपके पहले याद रखिए कि बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस लगता है और बिफोर के बाद इंडिफिनिट टेंस लगता है। अगर बिफोर के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आया तो बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाएंगे, अगर बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आया तो बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट लगाएंगे। बस हो गया, बताएंगे आज बताएंगे आप सामने, आप केवल याद कर लीजिए जो बता रहे हैं ना उसको केवल याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अगला, हाँ अब देखिए, अब वह आफ्टर आएगा तो बात पलट दीजिए। आफ्टर आएगा ना तो देखिए इंडिफिनिट टेंस को इंडिफिनिट का रूल पहले रख लीजिए और परफेक्ट को बाद में कर दीजिए। बिफोर रहेगा तो पहले परफेक्ट बाद में इंडिफिनिट, आफ्टर रहेगा तो पहले इंडिफिनिट बाद में परफेक्ट, ठीक ना। ये केवल याद रखिए, हम इसको बड़े बताएंगे। चलिए 10 ब्रह्मा रूल है जो हमारा, याद कर लीजिए। ब्रह्मा रूल क्या है, कोरी कल्पना वाले सेंटेंस में आई के साथ वियर लगता है, याद कर लीजिए। कोरी कल्पना कैसे, जैसे जो चीज हो ना लेकिन कल्पना कर ले, काश में राजा होता, काश में चिड़िया होती तक कमास आसमान में उड़ता, काश में राजा होता, कुछ कुछ यानी कि जो बेगर मतलब वाला चीज़ सब जो हो ना लेकिन सोच ले सपना बड़ा ओकरे कोरी कल्पना, ठीक ना। विशेष वाला काश में राजा होता ई वाला सब रहे ना वाला, तो वही में आई के साथ रूल है कि भाई पूरा ग्रामर में वाज आता है लेकिन ना वाज ना के वेयर आएगा, ठीक ना। वही बात बताया आपको कि अगर कोरी कल्पना वाला सेंटेंस रहेगा तो आई के साथ वेयर ना लगता है बल्कि उसके साथ आई के साथ वाज नहीं लगता, वेयर लगता है। देखिए यहाँ पर गलत मार दिए, देखे ना, वाज लगा के वाज लगाए तो गलत मारे, वेयर लगाए तो सही मारे, ठीक ना। समझ आ गया, केवल याद रखिए। देखिए क्वेश्चन कराएंगे सामने, आपको पूरा याद करवा देंगे फिर सामने, इसको याद रखिए। अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 आई के तारीख लगा रहेगा ना, आई खाली आई के तारीख भरने के लिए दिया रहेगा तो शैल बिल प्लस वर्ब 1 लगाइएगा। आई के तारीख अगर वर्ब 2 लगा रहेगा ना तो आई के तारीख वुड प्लस वर्ब के पहला रूप लगाइएगा। अगर आई बगल हैड प्लस वर्ब 3 लगा रहेगा ना तो आई बगल वुड प्लस हैड प्लस वर्ब 3 लगाएगा। ये केवल याद कर लीजिए, इसको हम आपको सामने पूरा अप्लाई करके दिखाएंगे, क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहे कि हवा हवा बोल दिए बात आपको किए नहीं, कराएंगे दिखाएंगे यही सब आएगा, बिल्कुल समझ लीजिए। अपने हाथ से अभी लिख के आपके लिए लाए हैं तो हम बोल लेते 10 बजे देंगे, लेकिन जो भाई लोग चैनल पर नया आ रहा सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल बिहार बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, हम एक बीत बताए थे कि डू रहे चाहे डज रहे चाहे डिड रहे चाहे मॉडल वर्ब रहे, उसके बाद वर्ब के पहला रूप लगता है। देखिए आपको भाई कहिए भैया मॉडल वर्ब ना समझ में अभी बताओ, तो मॉडल वर्ब की संख्या 13 गो भाई, मॉडल वर्ब की संख्या क्या 13 गो, वो लिख दिए ये 13 गो मॉडल वर्ब है जिसके बाद वर्ब लगता है, ये 13 गो देख लीजिए। सेल बिल शुड, ऐसे याद रखिए, सेल बिल शुड वुड, सेल बिल शुड वुड, वुड यहाँ पर हो गया। अच्छा मे माइट हो गया, कैन कुड मस्ट नीड हाउ टू यूज टू देयर, ये 13 गो गिन लीजिएगा, आप लोग गिन लीजिएगा, कमी ना है को गिन लीजिएगा। इसके बाद हमेशा भर के पढ़ा रूप कहीं भी रहेगा ना, जैसे ऐसे कहेंगे आई कैन, आपसे पूछते हैं यहाँ पर गो लगेगा कि भैया गोइंग लगेगा कि गोज लगेगा बताइए, तो भाई ओ हो कैन मॉडल भर के बाद भर वन चाहिए, अच्छा गोए सही आंसर हो, ठीक ना। ये आपके दिखेगा सामने दिखेगा, बस 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 आप लाइव क्लास में आइएगा 4 बजे के बाद। चलिए ये देखिए, अगर किसी वर्ब का ये बात अभी स्पेशल आ गया, ये किताब समय ना मिलेगा, अगर किसी का अगर आप यूट्यूब पर बहुत टीचर को देखिएगा तो गलत भी पढ़ाता है ये रूल को, हम आपको बताते हैं, खुद देख के बता रहे हैं आप लोग केवल, आप जैसे कि हम किसी का हिनाई नहीं कर रहे हैं, बता रहे जो रियल बात है जो। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं क्या कहे, अगर किसी का वर्ब 4 नहीं बनता है तो वर्ब 4 नहीं बनता है, अगर कोई सेंटेंस में कोई सेंटेंस में इस प्रकार का वर्ब है जिसका वर्ब 4 न बने या वो वर्ब न रहे तो उसका एक टेंस बैक जाकर बनाया जाता है। देखिएगा कितना ये ट्रांसलेशन है, 95 जब बनाएगा ना अंग्रेजी के तो आप काम। हाँ एक बात और बताते हैं भाई, हमें ट्रांसलेशन के व्यूज नहीं लाए हैं, ट्रांसलेशन के व्यूज लाएंगे तो आपको ये केवल आपको इसलिए लाए कि टेंस का पूरा ऑब्जेक्टिव ग्रामर बन जाना चाहिए, बस उसीलिए। और जो किताब में दिया है ना तो उसमें टेंसो है, सिंटैक्स भी है, वर्ब भी है, तो तीनों चीज़ों पढ़ा देंगे ना तब वो बनेगा आपसे, उसमें से और कुछ नहीं बनेगा आपसे, हम केवल टेंस पर लाए हैं। और जब तक वर्ब और सिंटैक्स नहीं पढ़ाएंगे ना, ये तीनों
का लगभग 22 से 25-30 नंबर तक रहता है, ठीक ना, तो तीनों कमांड कर लीजिए, 22 नंबर जरूर रहता है। तो ये सब तीनों कमांड करेंगे तब आपके जो अति मॉडल अति टारगेट का जो बुक लिए हैं टेंस वाला, उसमें देखिएगा कि कहीं पर एक जगह लिखा हुआ टेंस वर्ब सिंटैक्स में तीनों मिला जुला के पूछता है, ठीक ना। तो अभी आप उसमें पूरा ना बनाइएगा, क्योंकि ना बनेगा आपसे, क्योंकि अभी टेंस ही केवल पूछना पड़ा रहा है। चलिए, और हमारा एक दो क्वेश्चन और बात है, देख लीजिए, याद रखिए। ये तो जानते हैं कि वर्ब वर्ब फोर बनाने के लिए कोई के अंत में आई एन जी लगाते हैं, जनरली के अंत में, अच्छा वर्ब वन वर्ब जो वर्ब रहता है उसके अंत जो फाइव वर्ब फाइव रहता है उसके अंत में ईएस लगा रहता है। वर्ब फाइव होता है ना सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, वर्ब फाइव के अंत में ईएस लगा रहता है, वर्ब फाइव जो होता है वर्ब फोर के अंत में आई एन जी लगा रहता है, वर्ब टू थ्री के अधिकतर के अंत में ईडी लगा रहता है, ये बात ना है। अब जी देख लीजिए, अगर मान लीजिए गो है गोज है, तो जिसके अंत में एस लगा है ना वो सिंगुलर वर्ब होता है, जे वर्ब के अंत में एस लगेगा वो सिंगुलर। तो एगो रूल आगे कहता है, हम आगे दिखाते हैं आप लोगों को, एक रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना तो वर्बो सिंगुलर। आ सब देखिए, एक रूल याद रखिए, अगर कोई वर्ब के अंत में एस एस लगा रहेगा ना तो सिंगुलर, आ एस एस ना लगा है तो प्लुरल। जैसे गो है आ गोज है, तो बताइए तो गो गोज में कौन सिंगुलर कौन प्लुरल, तो ई गोज सिंगुलर ई गो प्लुरल। तो आपसे पूछेंगे ही के साथ कौन लगेगा, तो भाई ही सिंगुलर। तो एगो रूल है ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। तो आपसे हम पूछे कि बताइए भैया ही के जोड़े गो लगेगा कि गोज लगेगा, तो आप कहिएगा हो ई गो तो ही कथी सिंगुलर है। तो एगो रूल कथी हम कहली तोरा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्बो सिंगुलर, तो अच्छा ई सिंगुलर, आ वर्ब में कौन सिंगुलर, तो जेकरा अंत में एस लगे छू सिंगुलर, तो ई सिंगुलर, तो ई सिंगुलर ई वाला गोज लगेगा। अच्छा पूछेंगे सीता के जोड़े गो की गोज, तो गोज। अच्छा वी मिस कथी होता है हम लोग, तो एक से अधिक हुआ तो ई प्लुरल, तो जब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्बो प्लुरल, तो वर्ब प्लुरल कौन है, ई तो एस लगाया तो सिंगुलर है, ई ना लगेगा गो ना। हाँ तो ई आपको बताएंगे, आपको बताए भी देखा भी देते हैं, देखिए कैसे। अगर समझ लीजिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना तो वर्बो हमारा सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है ना तो वर्बो हमारा प्लुरल होगा। अब तो आप ये कहिएगा कि वो हम केना पहचानबी कि सब्जेक्ट कौन सिंगुलर है कौन प्लुरल है, केना पहचानबी कि कौन वर्ब सिंगुलर है कौन वर्ब प्लुरल है, तो वह बता दीजिए तनिका। देखा अगर कोई सब्जेक्ट से एगो आदमी के बोध होती तो सिंगुलर, आ एक से अधिक आदमी के बोध होती तो प्लुरल। अगर जे वर्ब के अंत में एस एस ला गए उ सिंगुलर, आ जे वर्ब के अंत में एस एस न लगल उ प्लुरल। इहे ने ऊपर लिखे इहे ने ऊपर लिख ले छी कि जे वर्ब के अंत में एस एस लगती सिंगुलर आ न लगती प्लुरल, इहे वाला ने लिख ले छी, जस्ट ऊपर इहे ने लिख ले छी, तो बात केवल रख लीजिए। और यही 17 गो रूल आप देखिए, और बिल्कुल आपका ना बनेगा ना जैसे समझिएगा। चलिए ही क्या है सिंगुलर है कि ना, अच्छा गो गोज में बताइए कौन सिंगुलर, तो एक में एस लगा है तो ये अपने सिंगुलर, तो भरना जोड़े लेबो करती सिंगुलर। अच्छा मान लीजिए वी क्या है प्लुरल, कल एक से अधिक बोध होता है जब में कौन सिंगुलर। अच्छा आप लोग बताइए तो ही के जो आए थे बचपन से आप लोग ईजे क्यों लगाते हैं, मालूम है आपको कारण आज बता देते हैं। ही के जोड़े यूजे क्या लगाते हैं, ही के जोड़े वाजे क्या लगाते हैं, वी के जोड़े वेयरे क्या लगाते हैं, कारण आपको बता देते हैं। ही क्या है सिंगुलर, कहला एक आदमी को बोध हो चाहिए, तो ईज आर में बताइए तो ईज में आर में कौन सिंगुलर कौन प्लुरल। तब तो कहिएगा अच्छा अभी बताएगा कि जरा अंत में एस लगे छू सिंगुलर आ जरा अंत में न लगे प्लुरल, तो अभी ने वो रूल बतलिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्बो सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्बो प्लुरल। तो अगर कहबो वी के जोड़े कथी लगता, तो पहले बताओ वी सिंगुलर के प्लुरल, तो वी में से एक से अधिक प्लुरल, तो ईज लगती कि यार, तो अच्छा ईज तो सिंगुलर ही आर लगता, तो वी के जोड़े आर लगते, समझ में आ गया। तो वही बात आपको बताया यहाँ पर। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं 4 बजे शाम में। देखिएगा जो हम ऑब्जेक्टिव जितना बताया ना क्या क्या बताया है, एक बार रिवीजन कर देते हैं। इतना को याद रखिए, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब के पहला रूप, ईज एम आर वाज के बाद हमेशा वर्ब के चौथा रूप, हैज के बाद हमेशा वर्ब के तीसरा रूप, गो उसके बाद हैज के बाद वर्ब के तीसरा हो गया। अच्छा कहीं भी लास्ट मिले, यस्टरडे मिले, एगो मिले, ये सब मिले ना, तो उसमें वर्ब के दूसरा का रूप लगेगा। कहीं भी ऑलवेज मिले, नेवर मिले, यूजुअली मिले, डेली मिले, ऑन संडे मिले, एवरीडे मिले, इसमें तो वर्ब के पहला या प्रथम रूप लगेगा। हैज के बाद हमेशा वर्ब के तीसरा रूप लगेगा। कहीं भी सिंस फॉर फ्रॉम मिले तो वर्ब के चौथा रूप लगेगा। बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस लगता है, बिफोर के बाद इंडेफिनिट टेंस लगता है, और आफ्टर के पहले इंडिफिनिट लगता है, आफ्टर के बाद बिफोर लगता है, ठीक है। ये सब याद रखिए, केवल यही याद रख लीजिए, पास्ट का रिलेशन पास्ट से, फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से, प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से, बस याद रखिए। आज के बाद इस पूरा यही पे पूरा टेंस है। आप आज देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल यही चीज़ से, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।